मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी कदकाठी है, हर बाधा को कर देता है दूर, लोग उसे कहते हैं मजदूर, लोग उसे कहते हैं मजदूर। नमस्कार, मैं मानसी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। जब भी हम किसी ऐतिहासिक इमारत या बड़े बड़े बंगलों को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि कितना खर्चा करा होगा इसके मालिक ने। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले हाथ एक मजदूर के होते हैं, जो इन ईंट पत्थरों की इमारत में भी जान डाल देते हैं। परंतु सोचने की बात है कि क्या आज तक हमने कभी भी इन्हें दिल से धन्यवाद दिया है? जरा सोचिए, इतनी मेहनत से काम करने वाले लोगों को क्या सम्मान पाने का भी अधिकार नहीं है? 1 मई यानी मजदूर दिवस पूरी दुनिया के विकास में सबसे महत्वपूर्ण मजदूरों के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 में हुई। अमेरिका के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि कोई भी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, और इसीलिए बहुत सारे मजदूरों ने मिलकर बड़े स्तर पर हड़ताल करी, जिसके दौरान शिकागो के ही मार्केट में बस धमाका हुआ था, जिसे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोलियाँ चलवा दी, जिससे बहुत से मजदूरों की मौत हो गई और बहुत से मजदूर घायल भी हुए। जिसके बाद 1889 में विश्व समाजवादी सम्मेलन में ऐलान हुआ कि हे मार्केट में मारे गए बेकसूर मजदूरों की याद में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, और इस दिन सभी मजदूरों की छुट्टी भी रहेगी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को चेन्नई में की थी। उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। मजदूर दिवस मनाने का कारण यह था कि मजदूरों की निम्न स्थिति को सुधारा जाए, उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए तथा उनके दर्द को कम किया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है, कभी कभी भूखा रह जाता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। अब जहां श्रमिकों की बात हो रही है तो वहां बाल श्रम जैसे अपराध को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? बाल मजदूरी, यह शब्द अपने आप में ही एक अभिशाप है। किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे सुनहरा पल उसका बचपन होता है, उसके स्कूल के दिन होते हैं। अगर हमारा बचपन स्कूल में ना गुजरे, खेल के मैदान में ना गुजरे, तो फिर वह बचपन किस काम का? हर बच्चे का सपना होता है कि वह स्कूल जाए, खेल कूद करे, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे। परंतु अगर उससे इन सब बातों की वजह किसी ढाबे पर, दुकान पर, किसी फैक्ट्री पर या किसी होटल पर काम कराने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उस पर क्या गुजरती होगी? बाल मजदूरी आज भी हमारे देश के लिए कलंक बना हुआ है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भारत के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। आज भी भारत देश में छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। बाल श्रम की समस्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। हालांकि बाल श्रम रोकने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन रात कार्य कराया जाता है तथा एक मासूम का बच्चा उसे छीन लिया जाता है। बाल श्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुंच जाएगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें अधिकार दिलाए समाज, देश, उनको प्रयास करना होगा ताकि सभी बच्चों को उनका अधिकार मिले, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक दिखे तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। अगर देश से बाल मजदूरी रुकेगी तभी मजदूर दिवस मनाना भी सार्थक होगा। मजदूर दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र और समाज को राष्ट्र और समाज की प्रगति, समृद्धि तथा खुशहाली में दिए गए श्रमिकों के योगदान को नमन करना चाहिए। देश के उत्पादन में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उच्च मानक
हासिल किए गए हैं वो हमारे श्रमिकों के अथक प्रयासों का नतीजा। इस पुनीत अवसर पर देश के विकास और निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाने वाले लाखों मजदूरों के कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का सम्मान करना चाहिए और मजदूरों के हित की रक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र और समाज का सदैव तत्पर रहना अनिवार्य है। अमीरी में अक्सर अमीर अपना सुकून खोता है, अमीरी में अक्सर अमीर अपना सुकून को खोता है, मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है, मजदूर